नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्टोली के अंदर। दोस्तों यार, आज की इस खास वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए जो लेकर आ चुका हूँ टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25 के। तो दोस्तों यार, 25,000 रुपये की रेंज में आने वाले आज मैं आपको जो है सबसे बेहतरीन माइंड ब्लोइंग जो है 5 स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, जिनके द्वारा दोस्तों आप यहाँ पर जो अच्छी खासी सेल्फीज ले सकते हो। अच्छा खासा आपको उनके अंदर जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और सारी की सारी जानकारी मैं आपको जो है डिटेल वाइज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक चीज मैं आपको जस्ट स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से बता देता हूं। दोस्तों यार, 25,000 रुपए की रेंज में आने वाला सबसे पहला यहां पे जो स्मार्ट रियलमी GT 5G। तो दोस्तों यार, इस फोन के अंदर आपको जो है काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको जो है 64+8+2 मेगापिक्सल का यहाँ पे जो है कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको जो है 16 मेगापिक्सल का वाइल्ड एंगल के साथ में एक जो है सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों यार, इस फोन के अंदर आपको जो है 4500mAh की बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ आपको 65W का एक जो है सुपर वूक चार्जर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो है रियलमी GT 5G के अंदर आपको जो है Snapdragon 888 का जो एक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो है इस फोन के अंदर 6.43 इंचेस की एक जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी जो है देखने को मिल जाती है। दोस्तों यार, 25,000 रुपये की रेंज में आने वाला फ़ोन ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शानदार है और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दमदार फ़ोन है। तो दोस्तों यार, यहाँ पे अगला जो स्मार्टफोन निकल के आता है उसका नाम है Redmi K40। तो दोस्तों यार, फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे जो फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे आपको 48+8+5 मेगापिक्सल दोस्तों यहाँ पे जो है कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है 20 मेगापिक्सल यहाँ पे वाइल्ड एंगल लेंस के साथ में फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों फ़ोन के अंदर आपको जो है 6.67 इंचेस की एक जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको जो है Snapdragon 870 यहाँ पे जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों यार, फोन के अंदर आपको जो है 4520mAh की बैटरी और दोस्तों 33W का एक जो है फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यार, इस फोन की जो प्राइस रेंज है वो है 22,000 रुपये। तो दोस्तों यार, इस फोन को आप जो है Flipkart के द्वारा यहाँ पे जो है बाय कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो अगला जो स्मार्टफोन निकल के आता है उसका नाम है Motorola Edge S। तो दोस्तों यार, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो है काफ़ी सारे जो है भारी भरकम यहाँ पे जो फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो है 6.7 इंचेस की एक जो है IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे जो है 64+16+2 मेगापिक्सल आपको जो है यहाँ पे रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और दोस्तों फ्रंट में आपको जो है 16+8 मेगापिक्सल का यहाँ पे जो है कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको जो है Snapdragon 870 का जो है प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और दोस्तों साथ ही साथ आपको जो है 5000mAh की बैटरी यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती है और दोस्तों 20W का यहाँ पे जो है सुपर टर्बो चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यार, फोन काफ़ी ज़्यादा शानदार है और काफ़ी ज़्यादा दमदार फोन है और दोस्तों इस फोन की जो यहाँ पे प्राइस रेंज रहने वाली है वो है 22,500 रुपये। तो दोस्तों यार, इस फोन को आप जो है Flipkart के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों यार, यहाँ पे जो अगला जो स्मार्टफोन निकल के आता है दोस्तों यार, उसका नाम है Samsung Galaxy M62। तो दोस्तों यार, फोन अभी जो है इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है, थोड़ा ही यहाँ पे दोस्तों समय हुआ है Samsung Galaxy M62 को और दोस्तों यहाँ पे इसकी जो डिस्प्ले साइज है वो दोस्तों आपको 6.7 इंचेस की एक जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है 64+2+5+5 का यहाँ पे जो है क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों यार, इस फोन के अंदर आपको जो है 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे जो है वाइल्ड एंगल लेंस यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है, जिसके द्वारा आप जो है अच्छी खासी जो है सेल्फीज वगैरह खींच सकते हो। दोस्तों यार, फोन के अंदर आपको जो है 7000mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ी बैटरी हो जाती है, वो आपको जो है देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको इस फोन के अंदर जो है Samsung Ionix 9 का जो ऑक्टाकोर प्रोसेसर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और दोस्तों 25W की यहाँ पे जो है सुपर फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों यार, इस फोन की यहाँ पे जो प्राइस रहने वाली है वो है 23,800 रुपये। तो दोस्तों यार, Samsung Galaxy M62 को आप जो है 23,000 रुपये के अंदर बाय कर सकते हो। दोस्तों इस फोन की जो मेन यहाँ पे हाईलाइट है वो है 7000mAh की बैटरी। तो दोस्तों यार, जो भी बंदा यहाँ पे बैटरी वाला फोन लेना चाहता है अंडर 25 के, तो वो यहाँ पे जो है Samsung Galaxy 62 को यहाँ पे जो है बाय कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला जो स्मार्टफोन निकल के आता है उसका नाम है Realme GT Neo।
तो दोस्तों यार जीटी नियो के अंदर आपको जो है 6.43 इंचेस की एक जो है सुपर एमोलेड यहाँ पे जो है डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है 64+8+2 मेगापिक्सल आपको जो है रियर कैमरा और दोस्तों साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल का आपको जो है वाइल्ड एंगल फ्रंट सेल्फी कैमरा भी इसके अंदर जो है देखने को मिल जाता है। दोस्तों यार इस फोन के अंदर आपको जो है यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी और दोस्तों साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे मीडिया टेक का 1200 यहाँ पे जो है प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 50 वोट की एक सुपर फास्ट वूक चार्जिंग भी जो है देखने को मिल जाती है। दोस्तों यार जो भी मैंने आपको यहाँ पे जो है 500 फ़ोन बताए हैं दोस्तों अंडर 25 के आपको जो है यहाँ पे फ़ोन मिलने वाले हैं और दोस्तों जो भी 5 फोन्स है वो पाँचों के पाँचों यहाँ पे जो है माइंड ब्लोइंग फोन। दोस्तों यार अंडर 25,000 रुपये के अंदर आप जो इन पाँचों फ़ोन में से जो है किसी भी फ़ोन को आप जो है खरीद सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप जो है पाँचों के पाँचों फ़ोन यहाँ पे खरीद सकते हो। तो बताइए यार दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।